इस वीडियो में कुछ कुछ बातें हंसाने के लिए हैं, तो कृपया उस बातों को दिल पर ना ले और इस वीडियो को लाइक करें। Hey, what's up guys? Welcome back to another brand new सस्ता सा tips and tricks वाली video. How to become a pro player? ये सवाल ना सबके मन में आता है literally. सब सोचते हैं YouTube पे सर्च कर लेंगे how to become a pro player और हम pro बन जाएंगे. उस 5-6 tips से yes, तुम बन सकते हो. But ऐसा नहीं है मेरे भाई. Tips and tricks से तुम कुछ अपना gameplay improve करोगे bro. देखो मैंने बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा है कि बहुत तगड़ा खेलते हैं बट ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ना उनके सामने तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते उसमें क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं करता कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए फॉल बैक रश फ्लैंक वगैरह जो कुछ भी समझे। टिप नंबर 1 ब्रो, सबसे पहले तो भाई तुम जितना खेल सकते हो ना भाई खेलो। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है तुम्हारे गेम प्रो को इम्प्रूव करने के लिए ब्रो। जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा गेम में उतने तुम तगड़ा खेलोगे ब्रो। सीन ही होता है ना कि सीजन 2 सीजन 3 वाले बंदे बहुत तगड़े खेलते हैं। इसी सबका कारण ब्रो क्योंकि जो अभी आए हैं उनका गेम प्ले सही होता है बट सिचुएशन हैंडल करने नहीं आता। इसलिए तुम जितना ज़्यादा खेलोगे गेम, मैं ये नहीं कर रहा कि 24 घंटा 20 घंटा 18 घंटा तुम गेम खेलो बट ट्राई करो कि जितना तुम दिन में टाइम निकाल सकते हो तुम करो। टिप नंबर 2, जब भी तुम लोग का फाइट होता है ना ब्रो तो फुल बूस्ट रखा करो। तुम्हारा फुल हेल्थ होना चाहिए, फुल बूस्ट होना चाहिए क्योंकि सीन ये होता है ना कि कभी भी तुम देखना कि तुम कभी भी किसी बंदे से मरते हो तो तुम लोग को अफसोस होता है कि यार बंदा 1 HP बच गया, एक गोली को छू दे से होता है। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ फुल बूस्ट रहेगा तो तुम भी बच सकते हो क्योंकि उसका फुल बूस्ट रहता है। इसके कारण वो 1 HP पे बच जाता है। वो जैसे ही लो होता है उसका हेल्थ बूस्ट उसका फुल हेल्थ कर देता है, फुल नहीं मतलब हल्का सा हेल्थ बढ़ा देता है। इसके कारण उसका 1 HP बच जाता है और तुम पिल जाते हो गंदे तरीके से। इसलिए जब भी फाइट हो ब्रो फुल बूस्ट रखा करो, फुल हेल्थ रखा करो। ये मत सोचो कि यार कौन इतना टाइम लेगा इस बूस्ट करने में, घुसते हैं फाइट लेते हैं मार ही देंगे, ऐसा मत सोचो ब्रो। पहले फुल बूस्ट करो, फुल हेल्थ करो, फिर फाइट लो। टिप नंबर 3, आप इन गेम जो कुछ भी हो लाइक स्नाइपर सोल्डर रशर क्लोज एनकाउंटर में आप फाइट लेते हो, आप जो कुछ भी करते हो ब्रो, आप लगभग 20 से 25 मिनट ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करो डेली। टिप नंबर 4, आप ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ, मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा वैसा करो। इस पिलर पे आने के बाद जैसे जैसे मूवमेंट मैं दे रहा हूँ वैसे वैसे मूवमेंट दो, इससे आपका मूवमेंट कभी भी स्लो नहीं होगा। और लाइक कभी कभी होता है ना कि आप किसी भी घर पे पुश कर रहे हो तो आप किसी गेट पे फंस गए या फिर सीढ़ी पे जाते जाते फंस गए, तो उससे छुटकारा मिलेगा ब्रो, ये ट्राई करो। टिप नंबर 5, ये ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत लोग करते हैं गलतियाँ। सीन क्या होता है ना कि बंदा दे जिगल दिए जा रहा है और बंदे का एक भी गोली लग ही नहीं रहा है। ये नहीं करना है ब्रो। आप मूवमेंट बहुत ही कम तो चलेगा ब्रो, लेकिन आप ट्राई करो आप 40 का 40 गोली बंदे पे उतार दो, ये ट्राई करो ब्रो। हमारे क्लैन में भी ना एक ऐसा बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता वरना वो मेरे पे भड़क जाएगा, और वो दारू भी पिलाता है मुझे, तो समझ रहे हो ना भाई। यस, तो सीन ये है ना कि उनका गलती क्या होता है, मैं उनको बहुत बार समझाया हूँ कि आप दे जिगल जितना भी दे दोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपका एम बंदे पे नहीं जाएगा बंदा ख़त्म कैसे होगा? दे जिगल देने से आप बचोगे, सामने वाला तो बंदा जिंदा ही है, उसे मारना है ना। यही दिक्कत करते हैं बहुत सारे लोग। यार ट्राई करो बंदे पे एम रखने का। और सीन है ना कि मैं तो कहूँगा एम असिस्ट ऑफ करके खेलो क्योंकि उससे ये होता है ना कि हेड जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। लाइक एम असिस्ट रहता है ना, अगर हेड पे गोली मार रहे हो तो एम असिस्ट घसीट के आपको बॉडी पे ले आएगा। ये बहुत ज़्यादा बुरा है एम असिस्ट का यार डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो बहुत है, कहीं पे भी गोली मारो लगेगा ये बंदे पे, बट दिक्कत है हेड पे मारना है ब्रो क्योंकि सामने वाला भी बंदा आपको बॉडी पे मार रहा है, आप भी बॉडी पे मारोगे। अगर उस सामने वाले बंदे के पास अच्छा डिवाइस है अच्छा FPS दे रहा है तो आप खत्म हो। इसलिए ट्राई करो एम असिस्ट ऑफ करके हेड टू हेड कनेक्ट करने का। लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि भाई प्रो ना टिप्स एंड ट्रिक्स से नहीं तुम्हारे डेडिकेशन से बनते हैं ओके ब्रो। और
सीन ही है ना कि तुम लोग इस पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत अच्छा चैनल है द सार्थक गेमिंग। नाम मेरा है, कोई बात नहीं, एक अच्छा नाम नहीं है, मैंने अपने पिक में अपने लोगों में अपना शकल तक नहीं दिखाया, पूरा उजला उजला कर दिया आप लोग के कारण, क्योंकि आप लोग को मेरा शकल देखना पसंद ही नहीं है भाई। जिस वीडियो में वेबकैम क्या हो ना उसमें मोस्ट और मोस्ट डिसलाइक आया भाई, पता नहीं क्यों यार, मेरे शकल में ऐसा क्या बीमारी है भाई, कुछ नहीं है, प्यारा सा शकल ही है भाई, भगवान ही शकल दिए हैं। अब जो कुछ भी हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज़, कर दो यार जल्दी, जाओ करो।